हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर शहर के कृषि उपज मंडी के पास बबूल की झाड़ियों में लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। बाड़मेर शहर के बीचों बीच दोपहर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित मेट्रो मार्बल के ठीक पीछे खाली पड़े कई भूखंडों पर पसरे बबूल के पेड़ों में अचानक आग लग गई। आग ने अचानक ही विकराल रूप धारण कर लिया और देखते हुए सैकड़ों की संख्या में तमाशबीन मौके पर पहुंचे। नगर परिषद के अग्निशमन दस्ते को फोन किया गया। अग्निशमन की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग को काबू कर पाई। बाड़मेर के बाड़मेर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर कृषि उपज मंडी के ठीक पास में शुक्रवार दोपहर खाली भूखंडों में उगे सैकड़ों की संख्या में बबूलों में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने के चंद मिनटों बाद हवा के तेज झोंकों ने इसे और भड़का दिया। स्थानीय लोगों से इससे हड़कंप मच गया। लोग इधर उधर भागते नजर आए। कुछ लोगों द्वारा अग्निशमन दस्ते को घटना की जानकारी देने के साथ नगर परिषद सभापति को भी सूचित किया गया। थोड़े ही देर में अग्निशमन के वाहन आगजनी स्थल पहुंचे। यहां उनके बचाव के कार्यों का सभापति दिलीप माली खुद ने मोर्चा संभाल लिया। बाड़मेर के उप प्रधान छोटू सिंह पवार और सिविल डिफेंस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बाड़मेर सभापति दिलीप माली ने इस तरह के भूखंडों की साफ सफाई रखने की लोगों से अपील की है। आगजनी की घटना स्थल से महज कुछ कदमों की दूरी पर जिले की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी है। अगर आग पर समय रहते काबू नहीं कर लिया होता और ये आगे की तरफ बढ़ गई होती तो शुक्रवार का दिन बाड़मेर शहर के इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज हो जाता। वासियों का फोन आया मेरे मोबाइल पे, यहाँ पे किसान बड़े बड़ी खाली भूखंडों के ऊपर जो बड़ी बड़ी बड़े थे उनके ऊपर बबूलों में आग लगी है। तुरंत ही 10 मिनट में मैं यहाँ पहुँच गया था और 3 फायर ब्रिगेड गाड़ी है सुनने में पहुँच गई और आग काफ़ी काबू पा लिया है। तो जनहानि नहीं हुई है, लेकिन ये जो खाली जो बड़े अपने जमीन है, मैं कल ही उनकी भी जमीन है उनको रोटी जारी कर साफ सुथरा रखें, नहीं तो ये गर्मी के मौसम में बड़ा हादसा हो सकता है। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।